एबे गोटे आमे रोल्स पढ़ा जर ना कौन है कि एट द हाई स्कूल कौन पढ़ रहे एट द हाई स्कूल जोटा कि एफ वन अच्छी इनक्लूडेड अच्छी तो जुलाई रे एग्जाम अच्छी तो आम देखा अति सहजे बुझा कि डरबार ना एत बड़ विषय हेल्ले कौन करार ना कि डरबार ना सुंदर भाव कौन कर वर्णना करवा सहित तार वर्ड मीनिंग देखा आ पूरा डीपली बुझे जोटा कि क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिकली आम कर ताले से कौन कहे देख एज वी ऑल नो ताले आम कौन एज वी ऑल नो मानते कौन आम समस्ते जानते क्या जानते महात्मा गांधी क्या जानते आम महात्मा गांधी को जानते जे कि बर्न इन 1869 केबे से जन्मग्रहण करते 1869 मसीह वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड आम पृथ्वी रे जदि आम कह टॉलेस्ट मैंने बुझे जो शक्तिशाली जड़े ग्रेट जड़े विराट लीडर भाव में परिचित किए से महात्मा गांधी हि वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट माने कौन आम जो स्वाधीनता संग्राम रे सी जड़े वीर जवान भाव में वीर नेता भाव में स्वाधीनता संग्रामी भाव में से जड़े परिचय लाभ करी इज पपुलरली नोन एज द फादर अफ द नेसन कहीपरिया फादर अफ नेसन भी कहीपर आम कौन कही फादर अफ नेसन मान कौन जातिर पितापर बट बिफोर हि बिकेम द महात्मा महात्मा अर्थ कौन दीटा शब्द ग्रेट सोल जार कौन अच्छी कि महान आत्मा ग्रेट मान महान सोल मान आत्मा जार महान आत्मा तक आम कौन कह महात्मा कहले इन हिज लेटर लाइफ गांधी रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट राजकोट इंग्लिश स्कूल इन राजकोट इन द स्टेट ऑफ गुजरात ताले से कौन करते कि से गांधी टाइटल गोटे पाई केबे पाई अर्ली एजुकेशन जिते बड़े से पढ़ुते कौटी पढ़ुते राजकोट से कौटी तक पिलाबले पढ़ुते सेटा राजकोट इंग्लिश स्कूल कौटी से कि गुजरात थी कौटी से राजकोट इंग्लिश स्कूल कौट थी आम गुजरात हिंसा जो अर्ली एजुकेशन सरला सीतापुर कौटी पढ़ले कि लेटर रे लेटर इट बिकेम ए फुल प्लेस हाई स्कूल तापर से आ गोटे कौटी से अर्ली एजुकेशन सरीगला प्राथमिक शिक्षा सरीगला सी आ गोटे कौटी पढ़े फुल प्लेस्ड हाई स्कूल से गले केम टू बी नोन एज द राजकोट हाई स्कूल तापर से कौ भाव में परिचित है राजकोट हाई स्कूल भाव में परिचित हो गला गांधी मेट्रिकुलेटेड फ्रम द स्कूल इन 1887 गांधी मेट्रिकुलेशन के 1887 एट द एज ऑफ 18 जो 18 वर्ष होता 1887 गांधी फुल प्लेस हाई स्कूल से कौन करते कि मेट्रिकुलेशन पास करते टॉपिक को भल भाव बुझ तो जारे जाइए क्वेश्चन आंसर करपर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वाधीनता पर इन 1947 द स्कूल वाज रीनेम्ड मोहनदास गांधी हाई स्कूल बट आफ्टर 1847 स्वाधीनता संग्राम पर आम स्वाधीनता आंदोलन पर से जो स्कूलटा के आम राजकोट हाई स्कूलटा कौ ना परिचय लाभ कला पुणी मोहनदास गांधी हाई स्कूल इज अनर द फादर अफ नेसन बुझेले कि नहीं क्या अनर दि जाइए क्या सम्मान दि जाइए महात्मा गांधी को सम्मान दि जाए से स्कूल पर नाटा को परिवर्तन कराई था राजकोट हाई स्कूल ना परिवर्तन कराई था कौन कराई था मोहनदास गांधी हाई स्कूल भाव में कौन होता परिचय लाभ होता अकॉर्डिंग टू सेवरल अकाउंट्स गांधी वाज नॉट ब्रिलियंट बहुत सारा तथ्य अनुजाई आम जापर कि गांधी जड़े कौन नथिले ज्ञानी नथिले ब्रिलियंट नथिले जड़े एज ए स्टूडेंट भल स्टूडेंट से नथिले इंटेलिजेंट स्टूडेंट नथिले ही वाज नोटेड टू बी गुड एट इंग्लिश जी आम नोट मैंने जानवाक पाचे कि से जड़े इंग्लीश रे भल थे गुड एट इंग्लीश फेयर इन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स भल होता कि सबुठ भल गुड एट इंग्लीश फेयर इन मैथमेटिक्स आरिथमेटिक्स विक इन ज्योग्राफी से कौन विक थे ज्योग्राफी विक थे सी तो भल स्टूडेंट भी नथिले गुड इन कंडक्ट कंडक्ट एंड बैड इन हैंड राइटिंग से हैंड राइटिंग भी बहुत मानने भल ना दो
थ्रू ही डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर हिज एबिलिटी तांकर बे कोनोसी पूरा भल एबिलिटी नथिला कि ही एस्ट्रोनिस्ट व्हेन एवर ही वन प्राइज एंड द स्कॉलरशिप सी एते भल पाठ पढु नथिले एते तांकर भल एबिलिटी नथिला किंतु से कोन होथिले कि एस्ट्रोनिस्ट माने कोन होला कि जो एस्ट्रोनिस्ट माने आश्चर्य हे जाउथिले कोन हे जाउथिले व्हेन एवर ही वन प्राइज एंड स्कॉलरशिप जते बेले से किछि प्राइज पाउथिले पुरस्कार पाउथिले वो स्कॉलरशिप पाउथिले ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଲେଟ୍ସ ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଟେକ୍ସଟ ଟୁ ନୋ ସମ୍ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅନ୍ ଗାନ୍ଧିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଟ୍ସ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ନେମ୍ଡ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି ଘଟଣାବଳୀ ଅଛି ଓ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ନିଜର ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିଅରରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କି ନିଜ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିର ନାଁ କ'ଣ ହେଲା କି ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହଉ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା କି ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ କ'ଣ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ନିଜେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଲେଖିବା କିଛି ବି ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ କି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା କି ବାୟୋଗ୍ରାଫି ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି କୁହାଯାଏ ତା'ପରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିବାକୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ବାୟୋଗ୍ରାଫି କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଅଟୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହିଲା ହଉ ତାପରେ ଏବେ ଆଣକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଲେ କି ଦେଖ ରିଡ୍ ଦ ଟେକ୍ସ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗସ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରିଗାର୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଏଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି କି ସିଏ ଜଣେ ସ୍କୁଲରେ ଫୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ କି ବୋକା ଫୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ କି ବୋକା ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ କି ସେ ଜଣେ ପରିଚିତା ଥିଲେ ଏଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଗାର୍ଡ ପରିଚିତା ଥିଲେ ଏଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ନଟ୍ ମାନେ ବୋକା ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତା ନଥିଲା ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରିଗାର୍ଡ ସେ ପରିଚିତା ନଥିଲେ ଏଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ବୋକା ବୋଲି ଏଟ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ଦ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଟିଚର୍ସ ତାକୁ ସବୁ ଟିଚର୍ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ ଆଫେକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା କି ସ୍ନେହ କରିବା ଆଫେକ୍ସନ୍ ମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି କି ମାଇ ଟିଚର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ମାଇ ଟିଚର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ସେଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇୟର୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଟିଚର୍ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଆମ ଘରକୁ ସବୁ କ'ଣ ପଠାଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଉଛି କି ନାହିଁ ସେମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଉଥିଲା ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ସେଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଆଇ ନେଭର୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ କେବେ ବି କ'ଣ ପାଉନଥିଲେ କି ବେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ ବା ଦେଉନଥିଲେ ଟିଚର୍ମାନେ ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଇ ଏଭର୍ ୱନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଆଇ ପାସ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ କେବେ ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଇ ଇଭିନ୍ ଓନ୍ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ଓନ୍ କରିଥିଲେ ବିଜେତା ହେଇଥିଲେ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଆଇ ପାସ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ପାସ୍ କଲେ ସେଟାକୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ଇନ୍ ଦ ଫିଫ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ସଥ ଯେତେବେଳେ ଫିଫ୍ଥ ଆଇ ଅପ୍ଟେନ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ 4 ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ଏନ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ଲକ୍ ମୋର ଦେନ୍ ମାଇ ମେରିଟ୍ ହଉ ସିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ତା ମନେ ନାହିଁ ହଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ କହିଲେ କି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ସେ ୱନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଥିଲେ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଦେନ୍ କ'ଣ କହୁଛି କି ଇନ୍ ଦ ଫିଫ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ କି ସିକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ସେ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ 4 ଆଣ୍ଡ 10 ଚାରି ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ଏଣ୍ଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ଫର ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ନିଜକୁ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ସ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲକ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ମୋର ଦେନ୍ ମାଇ ମେରିଟ୍ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫିଫ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ କି ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ହଉ ତାପରକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ କହୁଛି ମାଇ ଓନ୍ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ହାଇ ରିଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ମାଇ ଏବିଲିଟି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ମାନେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ମାନେ କି ତାଙ୍କ ଏବିଲିଟି ଭଲ ଏବିଲିଟି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ନା ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ସେ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେମିତି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ଭଲ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା
आई यूज टू बी आस्ट्रोनिस्ट आस्ट्रोनिस्ट मैंने कौन कि आश्चर्य आस्ट्रोनिस्ट मैंने कौन आश्चर्य कौन से एबिलिटी ना कि भल ना से स्कूल भल खेल पारे ना भल से पाठ पढ़ुते कौन से एबिलिटी ना बट आई यूज टू आस्ट्रोनिस्ट से कौन जाते आश्चर्य होते हुए जिते बेल आई ओन प्राइजेस इन द स्कॉलरशिप जिते बे कौन पाते किसी प्राइज पाते स्कॉलरशिप पाते कौन ही जाते पूरा आश्चर्य हो जाते हाँ बट आई वेरी जेलोस गाइडेड माय कैरेक्टर जेलोस मैंने कौन कौन केयरफुली बहुत स्ट्रिक्टली बट आई वेरी जेलोसली गाइडेड माय कैरेक्टर द लिस्ट टाइटल ब्लेम इज ड्यू टीयर्स फ्रॉम माय आईज जो कौन है कि से कौन हमें बेले बेले कौन हमें कि लिस्ट ब्लेम इज मानते गाड़ी कराए दोषी सब्यस्त कराए कलंक लगाए बस से कौन थे टीयर फ्रम द आईएस आखिर कौन आसा लुह आस हुए ना मेरीटेड जिते से मेरीटेड हेले और सीम्ड टू बी द टीचर्स टू मेरीट एंड रिव्यूक रिव्यूक मानते कौन होता कि गाड़ी दि जाइला ब्लेमिस मानते कौन दोष बा कलंक दि जाइला इट वाज अनबियरेबल फॉर मी जिते गाड़ी दि जाइला कलंक लग जाइला दोष दि जाइला से इट वाज अनबियरेबल फॉर मी यहाँ मोप कौन थी कि असहनीय थिला बहुत कष्ट थिला आई रिमेम्बर हैविंग वन्स रिसीव्ड द कॉर्पोरल पनिशमेंट जी मन अच्छे आई रिमेम्बर हैविंग वन्स रिसीव्ड गोटे थे कॉर्पोरल पनिशमेंट पाइले कॉर्पोरल पनिशमेंट माने फिजिकल पनिशमेंट माने बाड़ी में पिटा जाता फिजिकल पनिशमेंट दि जाता शारीरिक कष्ट दि जाता आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट इन द फैक्ट एक्जाक्टली मन ना कि पनिशमेंट पाइले डिड नॉट सो मच माइंड पनिशमेंट एट द फैक्ट दैट इट वाज कंसीडर माय डेजर्ट कंसीडर माय डेजर्ट आई डिड नॉट सो मच माइंड एट द फैक्ट ऑफ द कंसीडर माय द डेजर्ट आई वेप्ट पिटियोसली वेप्ट मैंने कौन कि सी कांदी बहुत सारा कांदी और दयनीय भाव पिटा जाता से कॉर्पोरल पनिशमेंट दि जाता से दयनीय भाव में कौन होते कि कांदी दैट वाज व्वेन आई वाज द फास्ट और सेकेंड स्टैंडार्ड मे बी एटा वेप्ट मैंने कांदा पिटियोस मैंने दयनीय भाव में तेल कौन हो केबेका घटना से कौच कि फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडार्ड रे देन देयर वाज एनादर सच इनसीडेंट आरो भी गोटे घटना मन अच्छे ड्यूरींग द टाइम व्वेन आई वाज द सेवेन्थ स्टैंडार्ड जिते से कौन थी कि सेवेन्थ स्टैंडार्ड थी कि दोराबजी ईदुल जी गिमी वाज द हेडमास्टर हेडमास्टर किए थे कि गिमी थे हेडमास्टर किए थे रे गिमी थे गिमी वाज हेडमास्टर देन ही वाज पॉपुलर एमंग द बॉयज सी जन हो कि पॉपुलर पिला भितर से कौन थे कि पॉपुलर थे एंड ही वाज डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी मानी कौन हो नियम व श्रृंखल बांधि लोक कौन कह जाए कि डिसिप्लिनरी मेन कह जाए एंड डिसिप्लिनरी मेन ऑफ द मेथड मेथड केमती थी डिसिप्लिनरी थी सब बेले कौन थे कि नियम और श्रृंखला मध्य पिला रखुले निजेतर जारी थे एंड गुड टीचर से जन कौन थे कि भल शिक्षक थे गुड टीचर मानी कौन है भल शिक्षक थे हि मेड जिमनास्टिक एंड क्रिकेट कंपलसरी फर द बयज अपर स्टैंडार्ड जिमनास्टिक मानने कौन कि जमीक एक्सरसाइज वगैरह से गुड़ा कौन कह जाए कि जिमनास्टिक कह जाए हि मेड जिमनास्टिक एंड क्रिकेट कंपलसरी फर द बयज अफ अपर स्टैंडार्ड बयज मानक कौन थी कि जिमनास्टिक और क्रिकेट टाक कंपलसरी रखुले बट आई डिसलाइक बोथ किंतु गांधी से कौन थे पसंद करून ना जिमनास्टिक पसंद करते ना क्रिकेट को पसंद करते आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबल कौन से खेल में इंटरेस्ट ना कि कौन भी भाग भी नौ ना बिफोर दे वेर मेड कंपलसरी कितु ये कौन हो जाता कंपलसरी होता मै सैनिस वाज वन अफ द रिजन फर द एलुपनेस कितु तार कारण कौन थी कि एलुपनेस मैंने से दूरे जाते हैं जो जिमनास्टिक्रु एलुपनेस मैंने कौन से कौन कि दूरे जावा कौन से दूरे जाते तर क्रिकेट रु एक्सरसाइज रु फुटबल रु बस दूरे कहीं दूरी जाती देखो क्वेश्चन आसपे कहीं बिकज अफ द साइनेस से लाजुआ प्रकृतिर थे किपर से थे कि लाजुआ प्रकृतिर थे जो से कौन हो जाता साइनेस से कौन सी एक्सरसाइज कौन सी जिमनास्टिक कौन सी खेल में भाग नहीं पार ना बुझेगा हुई आई नो सीरा
किंतु वर्तमान मु बुझुची जे कि एटा कोन थिला बहुत रंग थिला जेतेबेले से बड हे गले सेतेबेले से बुझिया को लागले ना एटा ठीक न थिला आई हैड देन द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैज नथिंग टू डू विथ एजुकेशन से ताको मुंड रे थिला कि पाठ सहित एक्सरसाइज कौन से आवश्यकता नहीं तार कौन से वैल्यू ही नहीं एजुकेशन रे जिम्नास्टिक रे कौन से आवश्यकता नहीं बट टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग किंतु वर्तमान से भाजुंत कि फिजिकल ट्रेनिंग जोटा आमर अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग टा कौन सुड मच प्लेस करिकुलम जोटा कि करिकुलम इन मेंटल ट्रेनिंग मेंटल को सुस्थ रखापी मेंटल ट्रेनिंग आमर फिजिकल एजुकेशन टा फिजिकल ट्रेनिंग टा मस्ट बी एसेंशियल इन एजुकेशन सेक्टर स्कूल क्षेत्र में पिलाई शारीरिक फिजिकल ट्रेनिंग टा निहाती जरूरी बुझेले कि नहीं कौन कहले हाँ तापर आम कौन जी थर्ड स्टेज जाक जा द रीजन फॉर माय डिसलाइक वाज माय किन डिजायर्स टू सर्व एज नर्स टू माय फादर तांकर कौन थिला कि नोशन माने कौन थिला कि तांकर गोटे धारणा थिला किन माने से कौन द रीजन माय डिसलाइक माय किन डिजायर माने कौन थिला कि तांकर डिजायर माने इच्छा शक्ति थिला किन माने कौन कोची गभीर इच्छा शक्ति थिला टू सर्व एज नर्स टू माय फादर नर्स माने कौन सेवा करिबा कहार सेवा करिबा तांका बापा को सेवा करिबा को तांको बहुत इच्छा थिला कि तांकर डिजायर थिला माय किन डिजायर माने कौन थिला कि गभीर इच्छा थिला गभीर आग्रह थिला एज सून एज स्कूल क्लोज्ड जेतेबेले एज सून एज स्कूल क्लोज जेते शीघ्र स्कूल छुट्टी हम आई वुड हरी हरी माने कौन कि शीघ्र होम घर को आसुला एंड बिगिन सर्विंग हिम तो बापा कौन करुला जिते शीघ्र से स्कूल फेरुला से शीघ्र से आस कौन करुले कि बापा सेवा करुला कंपलसरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस सी भावुले कि सेटा करवा ठार् कंपलसरी है कौन कि बापा सेवा करवा आई रिक्वेस्टेड मिस्टर जिमी से मिस्टर जिमी को कौन कले रिक्वेस्टेड कला जे हेड टीचर थे टू एक्जेम्प्ट एक्जेम्प्ट मी किंतु पर्यवेक्षण कले कि मी फर फ्रम जिम्नास्टिक्स सो दैट आई माइट बी फ्री एंड टू सर्व माय फादर सी तक कौन करते कि एक्जाम मैंने कौन बात पकेबापी एक्जाम मैंने कौन बात पकेबा कौटू बात पकेबापी सी जो जिम्नास्टिक्रु जिम्नास्टिक क्लास रोचे ना जिम्नास्टिक क्लास रु बात पकेबापी न जावापी सी क्या रिक्वेस्ट करते मिस्टर जिमी को रिक्वेस्ट करते टू एक्जाम मी फ्रम द जिम्नास्टिक्स सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर जेहेतु मुझे कौन करी कि मुझे न जाकि मत बात पक जाकि मो बापा सेवा करी बट ही वुड नॉट लिसन टू मी कि मो कथा शुणी ना नाउ इट हैपेंड दैट वन सैटरडे गोटे दिन सैटरडे व्हेन ही हैड स्कूल इन द मॉर्निंग जितेबाला से स्कूल थे आई हैड टू कम फ्रॉम होम टू स्कूल फॉर जिम्नास्टिक से कौन करते जिम्नास्टिक के चार बेले थे इन आफ्टरनून आफ्टरनून थी कि कौन है ना घर को पलि आसते आई हैड नो वाच कि कौन ना जिम्नास्टिक क्लासटा के चार्टा बेले थे कि कौन करते घर थे आई हैड कम फ्रॉम होम टू स्कूल फॉर जिम्नास्टिक एट 4 o'clock इन आफ्टरनून आफ्टरनून थिला आई हैड नो वाच बाहर कौन ना घंटा ना एंड आई कुड डिसीव्ड मी भ्रमित हो गले कि से कौन हो गले कि विरत हो गले जाए पारे ना बिफोर आई रिच द स्कूल स्कूल में पहुँचा पूर्व बिफोर आई रिच द स्कूल स्कूल में पहुँचा पूर्व कौन होता द बॉय बॉयज हैड ऑल लेफ्ट सब पाने कौन होते कि पलै जाते द नेक्स्ट डे मिस्टर गिरी एग्जामिन द रोलिंग फाउंड मी मार्क आबसेंट एग्जामिन मैंने कौन है पर्यवेक्षण करुले देखुले कि जो गांधी रोलिंग रे रोलिंग नेम रे आबसेंट पड़ जा मैंने अनुपस्थित अच्छा बिंग आस्क द रीजन ऑफ आबसेन्स कौन पचारे आबसेन्स रीजन पचारे कारण पचारे कहीं तुम्हें आसी ना आई टोल्ड हिम दैट हैड हैपेंड से सत कथा कही कि कौन घटना होती है कहीं आसी ना हि रिफ्यूज किंतु से मना करदे से भावुले मिछ बोली हि रिफ्यूज टू बिलीव मी से मत विश्वास कले ना एंड ऑर्डर टू मी पे फाइन वन और टू अनाज से कौन थी अणा चलुला केत अणा चलुला वन और टू अनाज से कत अणा चलुला से मत मना करदे कि रिफ्यूज विश्वास करते आउ अर्डर करते कौन कि फाइन देवाई कत फाइन देवाई वन और टू अनाज कत से देवाई कही गोटे बा दी टा देवाई कही आई वाज कनभिक्टेड अफ लिंग से समस्ते कौन करते दोषी सब्यस्त करते कि कनभिक्टेड मानने कौन है कि
दोषी सब्यस्त करने कन्विक्टेड मैंने कौन लगे दोषी सब्यस्त करते मिछ कौच डीपली पेन्ड भी ये जिनसटा गभीर भाव में दुख पेन मैंने कौन दुख दे पेन मैंने कौन है कि आम दुख पेन मैंने कौन हो दुख दे हाउ व्हाट्स आई टू प्रूव माय इनकन्विंस किपर से प्रूव कर किपर से प्रूव कर कि मैंने करेक्ट बोले देर आज नो वे पाखे कौन सी ना आई क्राडे डीप आंगुईस आंगुईस मैंने कौन मेन्टाली पेन आंगुईस मैंने कौन सी कहूँ कि मेन्टाली बहुत सी कौन होते कि पेन करते बहुत पेन अनुभव करते कि जिते बड़े टीचर मैंने मिछ सब्यस्त कर आई स दैट ए मैन अफ ट्रुथ मस्ट से गोटे लाइन्स कही ए मैन अफ ट्रुथ मस्ट अल्सो भी मैन अफ केयर मैंने सत कहू केयरफुल होगाटा निहाती जरूरी दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट इनस्टेंस ऑफ माय केयरलेसनेस इन द स्कूल एटा कौन थिला कि फर्स्ट टाइम तंग स्कूल ले केयरलेसनेस थिला सेबेटू से भाभी कि सत कहू जरूरी मध्य केयरफुल रहिबा आई हैड ए फेंट रिकलेक्शन फेंट माने कौन झापसा आई हैड फेंट रिकलेक्शन दैट आई फाइनाली सक्सेड गेटिंग टू फाइन रेमिटेड पचर से फाइनटा कौन होता कि पुनर्फेरस्त करापर कौन कहे कि आई एक्जेम्प्टन फ्रम एक्सरसाइज वाज अफ द कोर्स ऑब्टेन एज माय फादर रोट हिमसेल्फ बापा से कौन कर कि लेटर गोटे लिखी थे क्या लेटर लिखी थे रोट हिमसेल्फ टू द हेडमास्टर क्या लिखी थे हेडमास्टर को लिखी थे सेंग दैट ही वांटेड मी एट होम आफ्टर स्कूल स्कूल सरवापर तुम घर को पठाई देखा फादर कौन लिखी थे गोटे लेटर लिखी थे बट थ्रू आई वाज नन द वर्स फर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज आई एम स्टिल पेइंग ए पेनाल्टी एनादर नेग्लेक्ट जदि से आउ थे नेग्लेक्टेड करती से कौन करेंगे कि एनादर नेग्लेक्ट आउ थे नेग्लेक्ट करते से पेनाल्टी देवा पड़े आई डोंट नो क्वेन्स आई गट द नोशन अफ द गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट नेसेसरी पार्ट अफ द एजुकेशन एजुकेशन ले नॉट आवश्यक वाज नॉट नेसेसरी आवश्यक नहीं पार्ट अफ द एजुकेशन गुड हैंडराइटिंग बट आई रिटेन्ड अंटिल व्वेन टू इंग्लैंड व्वेन लेटर एस्पेशली इन साउथ हाउ एठू आम आउ थे जो यू आम पढ़वा कि कौन पढ़वा ये सेकेंड एज एट स्टाजा टू आउ थे आम कौन करवा कि स्टार्ट करवा नेक्स्ट भिडियो आज ये था नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करवा तो से वीडियोटा को लाइक करो सब्सक्राइब करो दे नेक्स्ट वीडियो देखा तुम सब्सक्राइब नक जापर बस थैंक यू।